हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रोबोटिक्स। मैं हूँ पार्थो। आज का इस जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग आर्डिनो को यूज़ किए बिना एक लाइट सेंसर के मदद से रिले को ऑपरेट कर सकते हो। तो आज का वीडियो है हाउ टू ऑपरेट ए रिले यूजिंग लाइट सेंसर विदाउट आर्डिनो। ठीक है, तो चलिए फिर बनाते हैं। पहले तो आप लोगों को मैं सर्किट डायग्राम समझाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को सर्किट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले सर्किट डायग्राम को देखते हैं और समझते हैं। तो ये है हम लोगों का सर्किट डायग्राम। जैसे कि आप लोगों को सर्किट डायग्राम में पहले यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है, ये एक्चुअली में एक ट्रांजिस्टर है जो कि यहाँ पे मैंने रखा है। ठीक है, इसका अगर फ्लैट साइड से अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो फर्स्ट पिन होता है वो होता है एमीटर, फिर मिडिल पिन बेस, और इस साइड का पिन होता है कलेक्टर। तो ये ट्रांजिस्टर का मेन काम क्या है? मेन काम इसका है ऐसा कि इसका जो बेस है, इसमें अगर इस ट्रांजिस्टर का कट ऑफ वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज दिया जाए तो एमिटर एंड ये कलेक्टर जो है वो हो जाएगा शॉर्ट। ठीक है, तो कट ऑफ वोल्टेज अगर जानना है ये जो ट्रांजिस्टर यानी 2N22222A का अगर कट ऑफ वोल्टेज जानना है आपको, तो इसका डेटा शीट आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को कट ऑफ वोल्टेज मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एक R लगाया है और यहाँ पे Vin लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये Vin यानी इनपुट वोल्टेज है और R एक लिमिट रेजिस्टेंस है। ठीक है, और मेरा जो एमिटर है वो ग्राउंड यानी वो नेगेटिव, अगर बैटरी के हिसाब से देखें तो बैटरी का नेगेटिव में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसा है ट्रांजिस्टर। फिर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है हम लोगों का लाइट सेंसर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइट सेंसर को कुछ ऐसे ड्रॉ किया है। मेरे पास जो लाइट सेंसर है उसके हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत देख के ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में 3 पिन्स है, नेगेटिव, पॉजिटिव और ये है एक डेटा पिन। ठीक है, तो नेगेटिव में एक्चुअल में बैटरी का या फिर आप लोगों को एक्चुअल में यहाँ पे 5 वोल्ट सोर्स देना पड़ेगा क्योंकि ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। मेरे पास जो है ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 5 वोल्ट सोर्स दूंगा। ठीक है, तो 5 वोल्ट सोर्स के लिए आप लोग मोबाइल का चार्जर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक मोबाइल का चार्जर यूज़ करूँगा 5 वोल्ट सोर्स देने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉजिटिव में आप लोगों को 5 वोल्ट का पॉजिटिव कनेक्ट करना पड़ेगा और नेगेटिव में वो 5 वोल्ट सोर्स का नेगेटिव पिन कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑन, ये जो लाइट सेंसर है वो हो जाएगा ऑन। अब क्या है, अब अगर कोई भी चीज़ इसका क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए तो ये जो डेटा पिन है वो हाई हो जाएगा, या फिर अगर आप लोग लाइट भी यहाँ पे मारेंगे तो भी ये डेटा पिन हाई हो जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ पे एक आयर पेयर होता है। ठीक है, एक होता है आयर डायोड और एक होता है फोटो डायोड। ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्मली जैसे 5 वोल्ट का सोर्स मिलता है तो उस टाइम पे आयर डायोड को सोर्स मिल जाता है और आयर डायोड से कंटिन्यूसली आयर रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर कोई भी चीज़ इसका क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है तो वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होके इस फोटो डायोड में जाके पड़ता है। ठीक है, तो फोटो डायोड में पड़ने के लिए क्या हो जाता है, फोटो डायोड में एक वोल्टेज जनरेट होता है, उसको काम में लेके यहाँ पे ये जो डेटा पिन है इसको हाई किया जाता है। हाई किया जाता है यानी इस डेटा पिन में एक वोल्टेज निकलता है। ठीक है, डेटा पिन से, तो उस डेटा पिन से जो वोल्टेज आ रहा है हम लोग उसी को यहाँ का इनपुट वोल्टेज के हिसाब यूज में ले रहा है। ये जो हम लोगों का ट्रांजिस्टर का इनपुट वोल्टेज है उसमें हम लोग उसी वोल्टेज को काम में ले रहा है। ठीक है, तो मैंने जब मेजर किया तो मेरे को
अप्रोक्सीमेटली 3.7 वोल्ट के आसपास मिल रहा था, ठीक है। तो उसी हिसाब से मुझे लिमिट रेजिस्टेंस का वैल्यू भी हिट एंड ट्राई करके निकलना पड़ा, क्योंकि अगर कट ऑफ वोल्टेज से बहुत ज़्यादा वोल्टेज आप लोग इस ट्रांजिस्टर को दे देंगे तो वो ये ट्रांजिस्टर जल जाएगा, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हम लोगों को एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ताकि ये जो इनपुट वोल्टेज है वो थोड़ा सा उसका उस वोल्टेज का थोड़ा सा पार्ट जो है इस रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग मैंने कैलिब्रेट करके इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 220 ओम्स के आसपास पाया है, ठीक है। तो मैं 220 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ करूँगा। और अभी देखते हैं कलेक्टर साइड। कलेक्टर साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक डायोड कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने 9 वोल्ट लिया है, तो मैंने 9 वोल्ट सोर्स का जो पॉजिटिव पिन है वो यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, यानी ये इस डायोड का ये जो नेगेटिव साइड है, ये लाइन जो है ये डायोड का नेगेटिव साइड को इंडिकेट करता है। अगर आप लोग एक डायोड को देखेंगे, ये जो मैं डायोड यूज़ कर रहा हूँ वो है IN4007 डायोड, ठीक है। ये है वो डायोड, इसको अगर आप लोग देखोगे तो इसका एक साइड में आप लोगों को दिखेगा, एक साइड में मार्क होता है, ठीक है। वो जो मार्क होता है वो एक्चुअल में ये लाइन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये है हम लोगों का डायोड, और डायोड के अक्रॉस में हम लोगों का रिले का जो कॉयल है वो कनेक्टेड होगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करेगा? तो ये जो 9 वोल्ट सोर्स है, इसका जो पॉजिटिव पिन है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, और इसका जो नेगेटिव पिन है वो हम लोगों का ये जो एमिटर है इसका जो ग्राउंड है इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, नॉर्मली जब यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाएगा इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में, उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी ग्राउंड, यानी ये जो पार्ट है इस साइड का पार्ट में ग्राउंड नहीं कनेक्ट होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये एक ओपन सर्किट के तरह काम करेगा। तो उस टाइम पे इस वोल्टेज का ये जो पॉजिटिव पिन हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा है उसका कुछ काम ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये रिले भी ऑपरेट नहीं करेगा, और जैसे यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज मिलेगा तो उस टाइम पे एमिटर एंड कलेक्टर जो है वो हो जाएगा शॉर्ट। तो जैसे ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ का जो ग्राउंड पॉइंट है, यानी ये जो जीरो वोल्टेज है ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो उस टाइम पे ये ग्राउंड पॉइंट यहाँ पे आने के कारण से ये जो 9 वोल्ट है वो इस रिले के अक्रॉस में पड़ेगा, रिले के अक्रॉस में पड़ेगा, लेकिन ये डायोड के अक्रॉस में नहीं होगा। कैसे? क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा कि डायोड का जो नेगेटिव साइड है उसमें हम लोगों ने पॉजिटिव 9 वोल्ट को दिया है, ठीक है, लेकिन इस साइड में ग्राउंड होगा। तो उस टाइम पे ये डायोड ऑपरेट नहीं होगा, तो उस टाइम पे ये रिले कॉयल के थ्रू ही हम लोगों का करंट का फ्लो होगा। तो इसलिए 9 वोल्ट जो है वो पूरा रिले कॉइल में ही पड़ेगा, और ये रिले जो है वो ऑपरेट कर जाएगा। मैं तो एक 6 वोल्ट का रिले यूज़ कर रहा हूँ, तो 9 वोल्ट में वो ऑपरेट करेगा, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए फिर अभी सर्किट बनाते हैं और देखते हैं।
फ्रेंड्स हम लोगों का सर्किट हो गया है तैयार। आप लोगों ने जैसे देखा इस बॉक्स के अंदर ही हम लोगों का सर्किट का मैक्सिमम कंपोनेंट्स है, जैसे कि ये डीसी सॉकेट, ये इधर पे है हम लोगों का रिले, यहाँ पे हम लोगों का ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इधर इनपुट के लिए हम लोगों का सेंसर जो है वो बाहर, सेंसर का जो वायर है वो बाहर लाया गया है, और वहाँ पर हम लोगों का लाइट सेंसर है। इस साइड पे तीन वायर निकला हुआ है, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन एंड ये कॉमन, ठीक है, जो कि रिले का पिन से वो सब से निकाला गया है। तो ये नॉर्मली क्लोज सर्किट है। अगर हम लोग इस एलईडी को अभी कनेक्ट करने की कोशिश करें नॉर्मली क्लोज सर्किट में, तो ये एलईडी जल जाएगा, ठीक है। तो मैं इस रेजिस्टेंस के इस साइड पे जैसे टच करूंगा आप लोग देखोगे कि ये एलईडी जलेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्लोज वायर है, नॉर्मली क्लोज पिन से निकला हुआ ये वायर है, ये ग्रीन वाला, और ये येलो वाला जो वायर है ये नॉर्मली ओपन पिन से निकला है। तो अभी ये एलईडी जो है वो स्टॉप है, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे इनपुट मिलेगा यानी लाइट सेंसर के पास में कुछ आएगा तो ये रिले ऑपरेट करेगा और ये एलईडी भी जलेगा उस टाइम पे। जैसे कि देखिए मैं अपना फिंगर को इसके पास में ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो लाइट सेंसर को अगर इनपुट मिल रहा है तो उस टाइम पे आप लोग देख सकते हो लाइट सेंसर में एक एलईडी है, वो भी जल रहा है, ठीक है। तो उसको भी देखिए, यानी वहाँ पे कुछ उसका क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, और उस टाइम पे यहाँ पे इस साइड का एलईडी भी जल रहा है, ठीक है। देखिए इसका बहुत सारा एप्लीकेशन आप लोग ले सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग रिले को ऑपरेट कर सकते हो तो उससे आप लोग एसी को भी मतलब एसी का लाइन को भी ट्रिप करने में इसको काम में ले सकते हो, ठीक है। तो अगर पकड़ लीजिए आप लोगों को ऐसा एक लाइट का स्विच बनाना है कि जिस पकड़ लीजिए एक जगह पे कोई अगर जाए तो आपका लाइट जल जाना चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे आप लोग ऐसे लाइट सेंसर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी कोई उस लाइट सेंसर के पास में जाएगा तो आपका रिले ऑपरेट होगा और आप लोग एक एसी सर्किट को ऑन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक पकड़ लीजिए एक ट्यूबलाइट को ऑन कर दिए उस टाइम पे अगर कोई उस सेंसर के पास में जा रहा है तो, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बाय।